कहानी ये वैसे तो आउट ऑफ कॉमेडी फिल्म है। हम ज्यादातर पंजाब में जो फिल्में बनती हैं वो काफी हद तक कॉमेडी बनती हैं। तो अभी ये फिल्म कैरी ऑन जट्टा के बाद कैरी ऑन जट्टा वाली टीम के साथ लेके आ रहे हैं। तीन भाइयों की कहानी है जिनको एक को सुनता नहीं है, एक देख नहीं सकता और एक बोल नहीं सकता। उनकी एक बहन है जिसकी शादी इस वजह से नहीं हो रही कि लोगों को लगता है कि शायद जब उसकी शादी होगी उसके बच्चे होंगे तो शायद जीन्स आगे ट्रैवल करते हैं, उसके बच्चे इन भाइयों के ऊपर जा सकते हैं कि शायद कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो उनको लगता है कि अपनी बहन की शादी करने के लिए क्यों ना हम जब इसकी शादी करनी है हम बताएं ना कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो इस चीज़ को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी चीज़ में ये सारी फिल्म की कहानी छुपी है। इट्स आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म और लंदन में हमने शूट करी है और आपको सिर्फ एक हंसाने की कोशिश की है विद अ गुड मैसेज। सर जब भी दिव्यांगों के ऊपर पिक्चर बनती है खासतौर से कॉमेडी को लेकर के तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जी, क्योंकि किसी सर हर चीज़ के लिए आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब यहाँ पे बैठ के मैं बोल रहा हूँ तब भी मुझे सोच के बोलना पड़ता है कि कोई चीज़ मैं रॉन्ग ना बोल दूँ। सो वो चीज़ों का तो हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। और इस फिल्म में तो जो हमने किरदार उठाए हैं जैसे मैंने बताया कि जिसको सुनता नहीं है, देख नहीं सकता, बोल नहीं पाता, तो उनके लिए हमें बहुत स्पेशल बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी को ठेस ना लगे, किसी को बुरा ना लगे। और हम हर बार ये कोशिश करते हैं कि जब फिल्म ख़त्म हो, चाहे आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है, इसका ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, बट फिर भी जब आप वापस आओ तो आपके लिए कुछ अच्छा मैसेज हो, अच्छा सुनेहा हो, तो वो हमने इसमें भी कोशिश की। और जब आप बाहर निकलोगे तो आप डेफिनेटली फिल्म की और फिल्म की प्रेज करना एक अलग बात है, जो जिन्होंने फिल्म लिखी है, जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है, कास्ट उनकी प्रेज करना एक अलग बात हो जाती है, तो वो आप जरूर करोगे बाहर। और इस फिल्म में क्या कहना चाहेंगे और इस फिल्म में एक मैसेज किस तरीके का? ऑडियंस को मैं यही कहना चाहता हूँ जी कि कोई भी लैंग्वेज की कोई भी फिल्म आती है जब आपको लगता है कि अच्छी होगी, आपको ट्रेलर अच्छा लगता है, ज़रूर उसको जाया करिए, सिनेमा में देखें, फिल्म को सपोर्ट करें। और मैसेज हमने इसमें दिखाया है कि भगवान जिसको बना के धरती पे भेजता है वो सब लोग, हम सब इक्वल है, इक्वलिटी पे ये फिल्म है कि सबको एक तरह से देखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम दूसरे को एहसास कराते हैं कि तेरे में ये कमी है। कई बार कल हम दिल्ली में थे तो हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट में गए तो वहाँ पे सब स्पेशल नीड्स बच्चे थे, तो जब हमने उन बच्चों के साथ खेला तो वो व्हील चेयर के ऊपर बास्केटबॉल खेल रहे थे, तो खेले तो मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने खुश प्लेयर कभी नहीं देखे, इतने पॉजिटिव प्लेयर कभी नहीं देखे। तो वहाँ पे हमारे लिए स्पेशल उन्होंने एक पंगड़ा तैयार किया, तो वो जिन बच्चों ने डाला, किसी के बाजू नहीं है, किसी की टांगे नहीं है, मैंने वहाँ पे बोला भी कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे अच्छा पंगड़ा है जो मैंने देखा है, क्योंकि वो दिल से डाल रहे थे। उनमें कुछ ये नहीं था कि हमने फर्स्ट आना है, हमने सेकंड आना है, उनका मन था उस चीज़ में, वो हमें देख के खुश थे और हम उनको देख के खुश थे। सो वो एक जो हार्ट टू हार्ट फीलिंग थी वहाँ पे वो थी। सो वही हम वैसी हम चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।